हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 300 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से दीपावली पर भगवान राम जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। आपको करना क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में आप यहां पर ऐसे एक बड़ा सा थ्री लिख दीजिएगा। ये हो गया हमारा थ्री। थ्री लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे जीरो लिख दीजिएगा और हो सके तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ ही बनाते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम एक ऐसे जीरो लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 300 नंबर। अब हम इसकी हेल्प से भगवान राम जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। और प्यारे बच्चों आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों। अगर आपको जो है दीपावली की स्पेलिंग आती है प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए और आप हमें जो है दीपावली की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद अब आपको करना क्या है, इस थ्री को हमें बहुत ही आराम से ऐसे डबल कर देना होगा। और प्यारे बच्चों आप हमें जो है दीपावली की स्पेलिंग के साथ साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि भगवान राम जी ने कितने वर्ष का वनवास किया था। फिर इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे हमने थ्री लिखा है, एक बड़ा सा थ्री लिखने के बाद इसको डबल कर दिया है। डबल करने के बाद यहाँ पर आप एक छोटा सा थ्री लिखिएगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी ऐसे रिपीट करते जाइएगा, यहाँ पर ले जाइएगा। इसके बाद हमको जो है इसको नीचे की तरफ आपको यहाँ तक ऐसे कर देना होगा। फिर इसके बाद आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब आपको करना क्या है, जो हमने यहाँ पर एक जीरो लिखा हुआ है, इस जीरो को भी हम ऐसे डबल कर देंगे। बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा प्यारे बच्चों। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाए तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आपको ऊपर की तरफ एक ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ करना होगा। बहुत ही आराम से करिएगा, यहाँ पर आप ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पर एक ऐसे ओवल शेप ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर एक छोटा सा ओवल शेप हम और यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ओवल शेप ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला थ्री है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे भी हल्का सा नीचे की तरफ ले जाना है। फिर यहाँ पे जस्ट इसी के बगल में जो है हम यहाँ पे ऐसे भगवान राम जी का ईयर बना देंगे। यहाँ पे भी आज सेम प्रोसेस ईयर कर ऐसे बना दीजिएगा। ये हो गया हमारा ईयर। ईयर बनाने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बीच में, थ्री के बीच वाले हिस्से पर। यहाँ पे आप जो है एक ऐसे यू लिखकर एक ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद प्यारे बच्चों अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। नीचे की तरफ हमें जो है फेस बनाना है, तो हमें जो है हल्का सा वी शेप में ऐसे ले जाना होगा। यहाँ से आप ऐसे ऊपर की तरफ मिला देंगे। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों अब देखिएगा, जो हमने यहाँ पर डबल किया है, यहाँ से आप जो है भगवान राम जी का हेयर बना दीजिए, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद एक छोटी सी सीधी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। एक सीधी लाइन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दे दीजिएगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको बहुत ही आराम से हम ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इस लाइन को भी हमें ऐसे डबल कर देना होगा। डबल करने के बाद एक सीधी लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। एक सीधी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा और भगवान राम जी का हेयर नीचे की तरफ यहाँ पे आप ऐसे टच करा देंगे। टच कराने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ऐसे डबल कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए और यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ पर हम बना देंगे भगवान राम जी का धनुष बाण, यानी कि जो बाण रखा जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे बनाइए। फिर इसके बाद एक वी लिख दीजिएगा। वी लिखने के बाद आप इसको ऐसे डबल कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको ऐसे हल्का सा अंदर की तरफ घुमाते हुए फिर यहाँ से हमें ऐसे बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर ऐसे मिला देना होगा। फिर अब हम इसको जो है ऐसे डबल कर देंगे। अब हम इसकी हेल्प से जो है भगवान राम जी का जो है धनुष बना देंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं आई पे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप ऐसे एक छोटा सा आईब्रो बना दीजिए। एक आईब्रो आप यहाँ पे बना दीजिएगा। फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पे ऐसे लिप शेप में एक लिप्स ड्रॉ कर दीजिए। एक लिप्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो ये भगवान राम जी का आई हो जाएगा। इसके बाद मार्कर के हम से या पेंसिल से बना रहे हैं तो पेंसिल की हेल्प से आप ऐसे छोटे 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 लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर एक छोटी सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए। एक छोटी सी लाइन यहाँ हल्का सा वी का शेप देते हुए यहाँ पर आप मिला दीजिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम यहाँ पर इनका माउथ बना देंगे। तो ये भगवान राम जी का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बन गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों।